सिकंदर आजम द ग्रेट अलेक्जेंडर और उनके टीचर अरस्तु एक बार घने जंगलों से गुजर रहे थे। जंगलों से गुजरते हुए उन्हें रास्ते में बहुत बड़ी नदी मिली। अब नदी के खतरों से दोनों ही अनजान थे और ये तय हुआ कि पहले एक जन जाएगा ताकि वो नदी में मौजूद जितने भी खतरे हैं उनको पहचान ले और दूसरा आसानी के साथ नदी पार कर ले। लेकिन पहले जाएगा कौन, इसकी बहस दोनों में हो गई। अरस्तु ने कहा पहले मैं जाऊंगा, वहीं सिकंदर ने कहा नहीं पहले मैं जाऊंगा। सिकंदर अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से अपनी जिद पे अड़े रहे और आखिरकार अरस्तु को उन्हें इजाजत देनी ही पड़ी। सिकंदर नदी में कूदकर दूसरी तरफ पहुंचे और अरस्तु से कहा कि आप इस तरफ से आ जाएं, यहाँ से खतरा बहुत कम है। अरस्तु जब दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो सिकंदर से कहते हैं, क्या तुमने मेरी बेइज्जती नहीं करी, क्या तुमने मेरी बात का अनादर नहीं करा? तो सिकंदर बहुत ही नरमी के साथ कहते हैं नहीं, और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सेंटेंस कहते हैं कि सिकंदर मर जाता तो अरस्तु हजारों सिकंदर पैदा कर सकता है, लेकिन अरस्तु मर जाए तो सिकंदर एक भी अरस्तु पैदा नहीं कर सकता। जी हाँ, शिक्षक राजा नहीं होता लेकिन राजा बना जरूर देता है। चाणक्य ने क्या खूब कहा है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। इतिहास गवाह है, जिन्होंने टीचर्स की रिस्पेक्ट की है जमाने में इज्जत उन्हीं को मिली है। लव्य ने द्रोणाचार्य के लिए अपना अंगूठा बलिदान कर दिया, आज भी उन्हें महान इंसान माना जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने कृष्ण का अनुसरण किया और महान विजय घोषित हुए। हिंदुस्तान की तमाम जनता ने गांधी जी को अपना टीचर माना, शिक्षक माना, उनका अनुसरण किया और हमें आज़ादी मिल गई। प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा का अनुसरण करके तमाम मुसलमान दुनिया में छा गए। दुनिया में इज्जत, शोहरत और ताकत उन्हीं को मिलती है जो अपने टीचर के रिस्पेक्ट करना जानते हैं, इज्जत करना जानते हैं। टीचर एक चाहे तो आपको आने वाले वक्त का महान इंसान बना सकता है, इसलिए अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उनका आदर करें। जब आप उनका आदर करेंगे तो ज़माने में आपको खुद ब खुद आदर मिलने लगेगा। आपका वीडियो देखने का